हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है एक और कमल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है एक सैमसंग का डिवाइस जिसमें टाइप सी कनेक्टर है। इसको करेंगे बड़ी आसानी से रिप्लेस, यानी कि इसका जो सिर्फ पोर्ट है उसको चेंज करेंगे। इसका पूरा सेकेंडरी बोर्ड जो होता है या सीसी ब्लैक जो बोल देते हैं उसको चेंज नहीं करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो सबसे पहले हमारा जो डिवाइस है उसका सेकेंडरी बोर्ड हमने निकाल लिया है और उसके बाद जो टाइप सी कनेक्टर है ये भी हमने निकाल लिया है जो इसमें लगाना है। ये देखिए सेम टू सेम कनेक्टर है बिल्कुल, ये ओरिजिनल कनेक्टर है जो मैं लगा रहा हूँ इसमें, और जो सेकेंडरी बोर्ड में लगा हुआ है वो भी ओरिजिनल कनेक्टर है। ठीक है, तो इसको करेंगे बड़ी आसानी से एडजस्ट। इसमें इसको निकालेंगे तो ये आयरन की मदद से निकाल सकते हैं आप, लेकिन उसमें थोड़ा समय भी ज़्यादा लगता है और जो SMD की मदद से फिक्स जो इसकी क्वालिटी आती है वो उससे क्वालिटी नहीं आ पाती है, तो इसलिए हम इसको SMD मशीन की मदद से ही लगाएंगे। यदि आपको लगाना है आयरन से और उसके बारे में जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सबसे पहले मैं इसको रख ले रहा हूँ और यहाँ पे माइक होता है इसके साइड में, तो माइक में प्रॉब्लम काफ़ी जल्दी आ जाती है हॉटिंग की वजह से, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ये जो लोहे का जो टुकड़ा है या रेती वगैरह बोल देते हैं इसको हमारे यहाँ पर, तो मैं इसको रख ले रहा हूँ इसके होल पे ताकि जो एयर है या हॉटिंग है वो उधर की साइड कम जाए माइक की साइड। उसके बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है 350 से लेके 400 के बीच में SMD मशीन को, और ज़्यादा देर तक रखना नहीं है हॉटिंग को इसके ऊपर। हालांकि ओल्ड वाला कनेक्टर है इसके ऊपर रख सकते हैं क्योंकि अगर ये ख़राब होगा तो ये ऑलरेडी ख़राब है। ठीक है, यदि नया कनेक्टर लगाएंगे आप उसमें तो उसके कोशिश ये करनी है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लगाना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चार्जिंग कनेक्टर को अंदर जो मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का वो पिघल जाता है, तो इससे आपका कनेक्टर भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको क्लीन कर लिया है क्योंकि कनेक्टर लगाने के बाद इस पर प्लास्टिक ग्लू लगी हुई थी, तो उसको भी मैंने हटा लिया है। क्यों, वो इसलिए लगाते हैं ताकि हल्का फुल्का अगर पानी वानी में चला जाए तो इसकी जो पिन होती हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, और ज़्यादातर ख़राब हो जाती हैं, अगर पानी में जाता है तो डिवाइस ख़राब हो जाता है, फिर भी बचता नहीं, लेकिन हर वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है तो ठीक है। उसके बाद हमारा जो कनेक्टर है मैंने इसकी जो पिन होती है उसको सोल्ड कर लिया था, आप सोल्ड कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको इसकी पोजीशन पे एडजस्ट कर लिया है और SMD की मदद से लगाएंगे। इसमें ज़्यादा देर रखना नहीं है मुझे, हॉटिंग ज़्यादा देर नहीं देनी, ताकि जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल टेम्परेचर 350 से 400 के बीच में रखना है, नॉर्मल एयर रखनी है, बड़ी आसानी से एडजस्ट हो जाता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बिल्कुल जैसा पहला वाला कनेक्टर लगा हुआ था बिल्कुल उसी की तरह ये एडजस्ट हो चुका है। मैं इसमें चार्जिंग भी लगा के दिखाऊंगा। आपके पास कोई भी डिवाइस है जिसमें टाइप सी कनेक्टर है उसको आप इसी प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आ रही है चेंज करते समय, आप एक शॉपकीपर हैं या आप एक नॉर्मल बंदे हैं, तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। यदि कमेंट में मैं सही से आपको जानकारी नहीं दे सकता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, क्योंकि कमेंट में अगर मैं जानकारी दूंगा तो एक दो कमेंट कर सकता हूँ और वो ज़्यादा कमेंट करना सही नहीं रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट हो जाएंगे एक ही कमेंट के नीचे, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए मुझे। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देंगे तो अगर आपको आपने सुबह को मैसेज किया है तो हो सकता है मैं शाम तक रिप्लाई दे दूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं रिप्लाई देता हूँ वो रात 8 बजे के बाद देता हूँ, क्योंकि पूरे दिन शॉप पर रहते हैं, शाम को 7-7:30 बजे के करीब घर पे आते हैं, तो उसके बाद ही रिप्लाई दे पाता हूँ। कभी कभार अगर टाइम मिलता है तो मैं दिन में भी रिप्लाई देता हूँ, आप कमेंट करेंगे तो हालांकि 8 बजे आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा शाम पे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मैंने इसका जो कनेक्टर है वो लगा दिया है बोर्ड में और बोर्ड भी अपना जो डिवाइस है उसमें एडजस्ट कर दिया है। ये देखिए हमारा जो डिवाइस है इसमें चार्जिंग कनेक्ट हो चुकी है। अब ये दिखाएगा कितना परसेंट चार्ज है इसकी बैटरी। पहले ये चार्जिंग इसमें कनेक्ट ही नहीं हो रही थी, पहले जो कनेक्टर था उससे इसमें चार्जिंग नहीं कनेक्ट हो रही थी। देखिए 4% है हमारा डिवाइस हमारा रिपेयर हो चुका है, तो आप हो सकते हैं तो वीडियो को यहाँ तक भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना भी काम था वो हो चुका है, खुश चाहें तो आप लास्ट तक देख सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद मैं इसका जो सेकेंडरी फ्रेम है उसे एडजस्ट करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ आपको, ये जो डिवाइस है ये है सैमसंग का A50। आपके पास कोई भी ऐसा मॉडल है तो उसको आप इसी प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका जो सेकेंडरी बोर्ड है इसमें स्क्रू लगा हुआ था, इसको मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ, और उसके बाद इसका जो मिड फ्रेम है उसको लगा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक जो प्लास्टिक पैनल लगा हुआ होता है जिसको ग्लू की मदद से चिपकाना होता है। ठीक है, हमारा जो मिड फ्रेम है वो लग चुका है, उसके बाद एक बार चार्जिंग की टेस्टिंग और करेंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पे अपना जो डिवाइस है उसे रखते रहा हूँ, और ये देखिए हमारा जो डिवाइस है उसमें चार्जिंग आ चुकी है और चार्जिंग भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है और जैक भी काफ़ी अच्छे से काम करेगा नॉर्मली अगर इसे यूज किया जाएगा तो। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।